बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है होम्योपैथिक रेमेडी, होम्योपैथिक बायोकेमिक साल्ट मैग्नीशियम फॉस। आज हम मैग्नीशियम फॉस के ऊपर बात करेंगे। मैग फॉस हमारे जिस्म के अंदर एज अ एंटी न्यूरलजिक, न्यूरलजिया के पेन, नर्व के पेन के लिए, एंटी स्पॉजमोटिक, स्पॉजमोटिक कंडीशन के ऊपर, फिर उसके बाद हमारे जिस्म में कब्ज के ऊपर, हमारे जिस्म में ऑलिगो यूरिया जनरली जब किडनी 400 ml से कम यूरिन बनाना शुरू करते हैं, यूरिन कम आए पेशेंट को, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, उसके ऊपर फिर उसके अलावा जिस्म में जो मुख्तलिफ दर्द होते हैं, पेन्स होते हैं, स्पॉजमोटिक कंडीशन आती हैं, उसके ऊपर ये दवा कैसे काम करती है और कितनी इफेक्टिव है। मैग्नीशियम ऑस्फॉस्फोरस का एक मरकब है जो कि हमारे बॉडी का नेचुरल टिश्यू साल्ट है। डॉक्टर सिशलर ने जो साल्ट्स थे, बेसिकली इनके इनिशियल प्रूवर डॉक्टर सिशलर थे, MgHPO4 इसका केमिकल कंपोजिशन है, इसकी प्रूविंग इनिशियल डॉक्टर सिशलर ने और उसके बाद डॉक्टर वेजलहॉफ ने और डॉक्टर जी गैन ने जो कि USA के थे, उन्होंने इसकी प्रूविंग की। इस दवा का मैजमेटिक बैकग्राउंड सोरा है। इसका टेम्परामेंट नर्वस है। नर्वस टेम्परामेंट का मतलब ये होता है कि ज़्यादातर तकालीफ इसकी असाबी होती हैं, ब्रेन से, एक्सर्शन से, मेंटल एक्सर्शन के साथ, और नर्व्स के ऊपर एक बड़ी दवा जो काम कर रही होती है उसको हम कहते हैं कि नर्वस टेम्परामेंट की हमारी दवा होती है। ये दवा बेसिकली हमारे जिस्म की एक बहुत बड़ी दवा के तौर पे से हम जो रूटीन में एज अ एंटी न्यूरलजिक और एंटी स्पॉजमोटिक दवा के तौर पर हम कहते हैं। एंटी न्यूरलजिक मतलब नर्व का पेन। अब नर्व के अंदर स्पेसिफिकेशन होती है, जिन नर्व्स के ऊपर ज्यादा इस दवाई का अमल दखल है उसमें शियाटिका के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये रेमेडी। उसके अंदर ये दवाई सुप्रा ऑर्बिटल जो आंख के ऊपर का रीजन है वहां पर नर्व का पेन हो, मिग्रेन जो है स्पेशली राइट साइड का मिग्रेन जो कि पीरियडिसिटी से के साथ हो, उसके अंदर ये दवाई जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फिर नर्व के अंदर ही कॉरिया जो हमारा राशा, हाथों का कपकपाना, पार्किंसंस, वहां पर इफेक्टिव है। इसी तरह एंटी स्पास्मोटिक कंडीशन के अंदर कि जहां पर मस्कुलर स्पास्म आ रहा हो, जैसे कॉलिक, पेट दर्द में हम जनरली हमारी होम्योपैथी की दवाई कोलेसेंटेसम देखते हैं कि पेशेंट को आगे की तरफ झुकने दबाने से रिलीफ मिलता है। अगर नर्वस कॉलिक हो और सेम सिम्टम्स आ रही हो तो वहां पर एक बड़ी दवा के तौर पर मैग फॉस दवाई है। इसी तरह डिसमेनोरिया, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पेन, स्वेयर पेन, वहां पर एक बड़ी दवाई के तौर पे है। फिर स्पॉजमोटिक कंडीशन हमें क्रैम्प्स में मिलती है, जिसे उर्दू में एक आम जुबान में कड़ुल कहा जाता है। उस कंडीशन के अंदर जब जिस्म में खिंचाव आ जाता है, अब ये खिंचाव हमारे पास जनरली कंडीशन जैसे टेटनस के अंदर जिस्म के अंदर मसल, पट्ठों के अंदर अकड़ाव, खिंचाव आ जाता है, तो वहां पर यह दवा बहुत इफेक्टिव है। एपिलेप्सी, मिर्गी का जब फिट पेशेंट को पड़ता है, दौरा पड़ता है और आता है उसका, तो उस वक्त पेशेंट के जिस्म के अंदर खिंचाव आ जाता है, बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है, तो अपनी स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ वहां पर एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी। इसी तरह स्पाज्म ऑफ ग्लॉटिस, जो हमारा ग्लॉटिस है वह उसके अंदर स्पाज्म आ जाए पेशेंट को, वहां पर इवन पैरालिटिक कंडीशन के अंदर भी ये रेमेडी एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। फिर ये दवा जो है बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर पट्ठों में, असाब में, हड्डियों में, उसके अलावा हमारे ब्लड के सेल्स के अंदर, इन तमाम के अंदर पाया जाता है। और मैग्नीशियम, जितने भी मैग्नीशिया के साल्ट है हमारे बॉडी के अंदर जो साल्ट है मैग्नीशिया के, अगर इनकी डेफिशिएंसी होने लग जाए, बेसिकली मैग्नीशिया साल्ट हमारे बॉडी के अंदर जो है एज अ कैथरेटिक काम करते हैं और एज अ डायूरेटिक काम करते हैं। कैथरेटिक बेसिकली हम कहते हैं जो परग्रेटिव होते हैं, जो स्टूल पास करने में मदद देते हैं, जो कब्ज, जिसम से कब्ज कुशा अगर उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, वो अद्वियात होती हैं। तो अगर मैग्नीशिया साल्ट की बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो पेशेंट को कब्ज हो जाती है, जो कि बहुत शदीद कब्ज होती है, जिसके साथ पेन, क्रैम्पी, कॉलिक की पेन भी मौजूद होता है, तो वहां पर मैग्नीशिया फॉस हमारी बड़ी दवाई है। इसी तरह डायूरेटिक यानी कि पेशाब आवर है, अगर इसका साल्ट कम हो जाए तो हमारे जिस्म में ओलिगो यूरिया की एक कंडीशन आ जाती है। ओलिगो यूरिया हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें हमारे गुर्दे 400 ml से कम यूरिन जो है हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट आउट करें। जनरली हमारे पास ये जब हम इनिशियल स्टेज, जब हमारे RFTs जो है पेशेंट के किडनी के जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता, तो उस इनिशियल कंडीशन में भी, इनिशियल स्टेज के ऊपर भी ये कंडीशन पाई जाती है, तो मैग फॉस वहां पर एक बड़ी दवा है। और जब ये ओलिगो यूरिया होता है, उस ओलिगो यूरिया की वजह से अगर
नेफ्रोकैल्सिनोसिस स्टार्ट हो जाए, कि नेफ्रोन के अंदर कैल्शियम डेपोजिट होना शुरू हो जाए, स्पेशली कलेक्टिंग डक्ट या लूप ऑफ हेनले के रीजन के अंदर कैल्शियम का लिथियसिस स्टोन बनना शुरू हो जाए, तो वहां पर हमारे पास मैकफॉस एक बड़ी दवा के तौर पे होती है। इसी तरह मैग्नीशिया फॉस हमारे जिस्म के अंदर अगर इसका साल्ट की कमी हो जाए तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल एलिवेट करने लग जाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने लग जाता है, जिसके रिजल्ट में एथेरोस्क्लेरोसिस यानी खून की नालियों के अंदर प्लैक बनना शुरू हो जाता है। तो अपनी स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो और एथेरोस्क्लेरोसिस बन रहा हो तो वहां पर मैकफॉस हमारे पास एक बड़ी और इफेक्टिव रेमेडी के तौर पे है। इसके पेन वॉन्डरिंग पेन होते हैं, इसके पेन इधर उधर फिर रहे होते हैं, जिस तरह पल्सटिला के पेशेंट के पेन फिर रहे होते हैं, वॉन्डरिंग पेन होते हैं पल्सटिला के पेशेंट के। और प्लस इसके पेन जो है जिस तरह पैलाडोन में सडन कम और सडन अचानक आते हैं, शिद्दत के साथ आते हैं और चले जाते हैं, तो इन कंडीशन के जो पेन्स होते हैं उसके साथ अगर हमें सिम्टम्स मिल रही हो ये तमाम, तो हमारे पास मैकफॉस एक बड़ी रेमेडी है। तमाम ऑथर्स इसके मुतालिक ये लिखते हैं कि राइट साइडेड रेमेडी है, राइट साइड पे ये ज्यादा इफेक्टिव है। इवन राइट ओवरी के अंदर सिस्ट है, राइट ओवरी के सिस्ट की वजह से पेन्स वेयर है, तो वहां पर हमारी बड़ी दवा के तौर पर मैग्नीशिया फॉस रेमेडी होती है। इसके पेशेंट की जो एग्रीवेशन तमाम अलामात, क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर जो अलामात जो एग्रीवेशन है मोलरेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। एग्रीवेशन जो कि पेशेंट इसका वीक होता है, इसकी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन है कि इसका पेशेंट वीक होगा, कमजोर इमेसिएटेड कमजोर होगा, इसका पेशेंट पतला होगा। कुछ ऑथर्स उसको लिखते हैं कि डार्क कम्प्लेक्शन और कुछ लाइट कम्प्लेक्शन का लिखते हैं, कम्प्लेक्शन नहीं कोई भी हो सकता लेकिन वो वीक होगा। तो जितने भी वीक लोग हैं उनकी तमाम अलामात ठंड से बढ़ती हैं, तो इसके मरीज के भी अलामात ठंड से, ठंडे पानी से, नहाने से, मेंटल नर्वस टेम्परामेंट है तो मेंटल एग्जर्शन से, फिजिकल एग्जर्शन से, जो कि वीक है पेशेंट इसलिए मेंटल एंड फिजिकल एग्जर्शन से बढ़ती है। और रिलीफ इसके पेशेंट को मिलता है गर्मी से, दबाने से, प्रेशर से, इन तमाम अलामात से इसके पेशेंट को रिलीफ मिलता है। कंपैरिजन जो है इसका जो क्रैम्प्स इसके एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं उसके अंदर, जो यूटराइन क्रैम्प्स है उसमें कॉलोफाइलन के साथ, और जो स्टमिक और इस रीजन के वहां पे कॉलोसेंटस के साथ इसका कंपैरिजन है। इसी तरह इस दवा का जो हमारे साथ बेटर बाय हीट है कॉन्स्टिपेशन के साथ, कॉलिक को रिलीफ मिले वार्म प्रेशर से, वहां पर इसका कंपैरिजन प्लम्बोमेट और कॉलोसेंटस के साथ है। डिस्मेनोरिया बेटर बाय आफ्टर फ्लो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो हो जाए और डिस्मेनोरिया को रिलीफ हो जाए, तो वहां पर सल्फर जिंकमेट और लैक्टासिस के साथ इस दवा का जो है हमें कंपैरिजन मिलता है। इस दवा की डोजेज की रिकमेंडेड डॉक्टर सेशलर ने 6x में रिकमेंड किया, लेकिन जिस तरह भी हमने पीछे देखा कि मैग्नीशिया फॉस से साल्ट के कम होने से बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन, ऑलिगोयूरिया या कोलेस्ट्रॉल लेवल का एलिवेट होना, इन कंडीशन के अंदर मैकफॉस जो है हमारी वो 6x के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जबकि जो पेन्स की कंडीशन है, चाहे वो यूटराइन है, चाहे एब्डोमिनल पेन्स है, सिस्ट का पेन है, मिग्रेन का पेन है, न्यूरोलॉजिक पेन है, उन तमाम पेन्स के अंदर 30 mg/cm हायर डोजेस की रिकमेंडेशन है। चूंकि बॉडी टिश्यू साल्ट है इसके लिए इसकी फ्रीक्वेंट रेपिटेशन भी अलाउ की गई है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.